जमाना की भी ज्यादत कर सकता है। अगर नेक अमल मोमिनीन करते हैं, मौला फरमाते हैं कि तुम्हारा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो तुम्हारी सलाह करे। मोमिन, हमें कुछ बुराइयां तो नजर आ जाती हैं, सारी बुराइयां हमें नजर नहीं आती। हर बंदा अपने आप को मोमिन समझ रहा है। हमने अगर बुराइयां देखनी है कि मुझ में कितनी सी बुराइयां पाई जाती हैं, तो उसका एक ही तरीका है, 12-14 की सीरत का आईना सामने रख, तो ये बुराइयां नजर आते जाएंगी। इमाम ज़माना हमारे हिदायत करते हैं। आखिरी बात, एक मोमना का इंतकाल हुआ, उसके शिकम उसका बच्चा था। लोग आए इस वक्त के आलम दीन के पास और कहा कि किबला ये बताएं, मोमना फौत हो गई है और उसके शिकम में बच्चा है, क्या बच्चे समय तक फन करते? उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक फतवा दिया कि अपने उसी तरह दफन करते बच्चे समय। गुसल दफन करके मोमिन लेकर चले, जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो घोड़ा सवार आया। उन्होंने कहा भाई रोक जाए, इस आलम दीन ने आपके लिए फतवा दिया है, मैं उसका कासिद हूँ और उनके फतवे में ये तब्दीली आ गई है कि औरत का पेट शाक चाक करें, देखिए अगर बच्चा जिंदा है तो उसको निकाल लें। चाक किया गया, बच्चा जिंदा निकला। वो मोमिनीन जो थे वो दफन करके औरत को, उस मोमना को, उस आलम दीन के पास पहुंचे। आखिरी बात मेरी तरफ तवज्जो करें, उस आलम दीन के पास पहुंचे कि बोला आपकी बड़ी मेहरबानी, आप भी एक कतर से बच गए, हम भी एक कतर से बच गए। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? कहा जी आपने जो कासिद भेजा था वो आलम दीन रोने लगे और कहते रब्बे काबा की कसम, मैंने कोई अपना कासिद नहीं भेजा था, वो तेरा और मेरा 12वां इमाम था जो तेरी हिदायत भी कर गया, मेरी हिदायत भी कर गया। गुलफाम साहब आप बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बाहर जाकर साहब आए, उनको रिसीव कर लिया। फिर भी दुरूद पढ़ ले मोहम्मद आलम। ये थी हमारे मरकज की पेश नमाज वाजिबुल कदर इस्तवाब क़िबला अल्लामा मोहम्मद रज़ा नक़वी साहब। मैंने मुस्तफ़ा भट्ट साहब को देखा है और वो आके मजलिस में बैठे हैं, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो यार भट्ट साहब वक्त पे आ गए, तो वो फौरी तौर पर उठ के चले गए। क्या बात है? और बैठे नहीं, आप आए बैठे, दुरूद पढ़े मोहम्मद अल्लाह। ये कोई बात नहीं होती, आदमी 10 बैठे हो मजलिस तब भी होती है, आदमी 2-4 बैठे हो तब भी होती है। जिनकी हम इज्जत करते हैं उनको जरा प्यार से बुलाते हैं, अगर वो आ जाए तो बुला नहीं, वरना हम क्या कह सकते हैं। लेकिन जब मजलिस होती है जिनकी महफिल हो वो महफिल में जरूर आते हैं। दूर पढ़ मोहम्मद अल्लाह। खुदा से प्यार और खुदा की जगह से जलते हैं कुरान।
बस इस